तुम्हारे नए व्लॉग में। तो आप सब लोग ठीक हो ला? मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज व्लॉग शाम भी 6 बजे में स्टार्ट कर रही हूँ, और आज है ऊप छठ, और आज मारा व्रत भी है, क्योंकि मैं ऊप छठ रो उजोड़ो भी करना होता, जाने आपने मैं बताया तो नहीं कि अगर आगे कंटिन्यू में सही हो पॉसिबल हो तो मैं आगे शेयर करूँ आप हाथे। तो मैं ई वजह हूँ पाछी आई हूँ, क्योंकि मैं ऊप छठ रो और आठ उजोड़ो करना होता, और मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो एक एग्जाम बाकी है, तो इस चक्कर में मैं शेयर कौन करी। मैं कहीं एग्जाम डेट भी हाथ आ जाए और उजोड़ो भी हाथ हो जाओ, तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाई थी, और अब मैं शेयर कर रही हूँ आप हाथ कि मैं ही बच्चे हूँ गाँव पाछी आई थी। पर न मन तीज हमारे गाँव री अच्छी लागे, इतनी अच्छी लागे कहीं बताऊँ, सभी तो ज़्यादा इकट्ठा हुए, और बार में फोटोज वगैरह देखूँ तो बहुत मतलब यूँ ज़्यादा मिस करूँ सब ने। पर अब तो तीज गई, नेक्स्ट टाइम बड़ी सेलिब्रेट करो, और छठ रोजोड़ो भी है, और शाम में 6 भी बजे और 7 बजे और बाद में शायद तक दिन बच जाए, 7 बजे और टाइम सूर्यास्त हुए अस तक दिन पड़ो है, तो बाद में खड़ो भी रहना है, और चांद भी कहीं ठकाने नहीं कर रही, पूरा आड़ंग रो मौसम है। तो कंटिन्यू करूँ ब्लॉग, और आज जो वो सूट पहनी हो तो काफ़ी पहला रो सिल उड़ो है, सिया राम खनु लियो, तो मम्मी खोलो दूँ शॉप आपको छोड़ पहले मैं शेयर कर दूँ, सिया राम लियो सिया राम हैंडलूम, तो चॉइस कड़ी वालों सूट है, हो सकियो तो फाइनल लुक बताऊँ, नहीं तो फिर देख लीजिए आप व्लॉग में। आजकल सूट रोन वगैरह बहुत कम मन करे, रखड़ी भी आज मैं खासा दिनों बाद बांध दी हूँ, मैं तो भी आज कर रही हूँ सकरा वजन बांधने मन नहीं को करे, सब नीचे खाना बना रिया वही तैयारी कर रही हो यार। मैं जाऊँ अब नीचे, एम बी भी ख़त्म होगी वरना एक दो रील्स बना देती, और आज मारा बर्थडे भी है, मैं खुद भूल रही हूँ, आज सुबह उठी मैं खुद भूल गई एकदम बनाया, ओह आज तो आपका बर्थडे है, मैं क्या हूँ मैं मतलब सामने कोई है, एक बार मैं बात शेयर कर दूँ फिर। हाँ तो सुबह मतलब ना नाइट में मैं सो गई थी, तबीयत भी डाउन ही रहे वैसे भी, तो सुबह मैं लेट उठी थी, तो फिर बनना आया तो बना एकदम कह रही होता कि ओहो आज आपका बर्थडे विश करियो, मैं क्यों फिर मैं नाटक करियो मैं कि हाँ आपने अब याद आया सुबह हो गई, रात में 12 बजे विश करना, तो काफ़ी देर तक नाटक करिया, और बाद में मैं क्यों मैं खुद ही भूल गई मारो बर्थडे। तो मतलब क्योंकि मन बर्थडे खुद रो सेलिब्रेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, आज मैं 21 साल की हो गई हूँ पूरी, 21 जो हूँ, तो मैं कदे भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी कदे भी, अगर स्कूल टाइम में नॉर्मल कोई चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह सब फ्रेंड्स बैठ कर लिया, बाकी केक कटिंग मैं आज तक नहीं करी, और बनना भी क्यों केक लेना हूँ वगैरह, तो मना कर दी ना ही मन अच्छा लगे। अब टाबर और बर्थडे सेलिब्रेट करो या खुदरा करो तो मनी तो अच्छा नहीं लगे बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो मैं जा रही हूँ नीचे, मैं जोर जोर बोल रही होती नीचे कमर सा हुआ था, तभी वास्ते में पाछी आ गई। दरी पीछे उड़ी है मिठाई को पड़े चावल गाइस गेम का नाम बता सकते हो? टीटा 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 तो भाई सड़ा के चमके आ
जय श्री कृष्णा। तो फिर कल रात वाला व्लॉग मैं आज सुबह कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं सुबह स्नान करने तैयार होगी और बन्ना भी साइड में तैयार हो गया था, मतलब तैयार तो हो गया, बस अब घरों निकल रहा हूँ क्योंकि फलों दी जान हो तो रात में उजोन हो तो, और बाद में सुबह कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब मैं मतलब पहले तैयार हुई बी टाइम तो बिल्कुल याद ही, मतलब बहुत कम याद आवे व्लॉगिंग, तो अब मैं निकलते टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आज हमारे 3 मंथ कंप्लीट हो गया, आप सब काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई सा कौन सा मंथ चल रही है, तो हमारे 3 मंथ कंप्लीट हो गया और सोनोग्राफी भी करानी है और पाछू चेकअप भी करवाना है, तो फिर चेकअप के वास्ते जा रही हूँ और बीच में मम्मी ने भी हाथ लिया हूँ और अठू बनना और मैं जा रहा हूँ, तो कंटिन्यू करूँ व्लॉग, जो कुछ क्लिप ले पाई तो वह शेयर करूँ। तो गाइज मैं अब फटाफट निकल रही हूँ और मम्मी ने भी फ़ोन कर बता दियो कि मैं निकल रही हूँ, और मम्मी ने बीच रास्ते में लेना है क्योंकि मम्मी गाँव स्टेशन माते आ गया था और मैंने बीच रास्ते में ही लेना है, और काफ़ी लोग न्यू वे वन ध्यान को नहीं कि हमारा पियर बीच रास्ते में ही है फलो धीरे, तो नज़दीक में ही है, 30 मिनट और रास्ता है गाड़ी लेने जाऊँ तो। और जो न्यू सब्सक्राइबर है तो फिर वो अभी काफ़ी कमेंट आवे तो हो सके तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पाछी कर दूँ, और नहीं तो फिर मैं एक वीडियो और डाल दूँ, आप कमेंट करता रहिया करो, मैं आप जवाब देती रहूँ बस। तो गाइज मम्मी काफ़ी देर हूँ वेट कर रही है, लमसम 2 घंटा हूँ वेट कर रही है क्योंकि मैं 9 बजे निकलना हो तो, और मैं 10:30-11 बजे करीब निकल रहा हूँ, तो वो चक्कर में लेट भी हो गया, और मम्मी ने अब ले लिया हाथ है और अब निकल गया फलोदर वास्ते, और निकलते हैं फिर जीजर वास्ते, कुछ चप्पल लेनी होती तो मैं आपने बताया मैं राजधानी हैंडलूम ही ले हूँ चप्पल वगैरह, तो आप हमारा एक वीडियो देख। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो फिर आज मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, और फलोदी गया था, फलोदी गया और बाद में बिल्कुल सूट नहीं कर पाई थी मैं, मतलब बाइसर वास्ते चप्पल ली थी जीजर वास्ते, तो बट तक ही सूट कर पाई, आगे बिल्कुल नहीं सूट कर पाई, हॉस्पिटल में गया हूँ बाद में तो बिल्कुल फ़ोन याद ही को ना आयो, और फिर जाँच और सोनोग्राफी के चक्कर में बिल्कुल टाइम नहीं मिलो और मारो सर चक्कर डूब गयो, हालत ख़राब होगी, और घर आओ तो 9:30 होगी, ये मम्मी ने भी छोड़ना है अगर थोड़ी देर, बट रुक गया चाय वगैरह पी और फिर पाछा रवाना हो गया, और उस चक्कर में रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलियो और फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, तो मैं सोची अब मैं आगे मतलब कंटिन्यू कर दूँ, तो आज 3 दिन का व्लॉग हो गया है, और अब मैं सुबह उठती हूँ और दवाइयाँ वगैरह ली और नारियल पानी पियो बस, अब मैं मतलब नेक्स्ट व्लॉग पाछों कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इन एंड कर दूँ, मैं सोचू इन एंड कर दूँ क्योंकि एंट्री व्लॉग भी मैं सही ढंग सूट नहीं कर पाई थी, उप छठो जो हो तो फिर रात भर वो भी सूट कर पाई, तो 3 दिन का व्लॉग एक हाथे, मतलब आप सोच सको कि मैं छोटी छोटी क्लिप पर ले और फिर मैं भूल जाऊँगी मार व्लॉग स्टार्ट हो तो मैं ना चौथ वाले दिन भी मैं स्टार्ट करी थी क्योंकि मार बहुला चौथ में व्रत रखूँ और काफ़ी पहले हूँ रखूँ तीज रखूँ जाके बाद में लमसम 2-3 बहुला चौथ रख ली मैं, तो मैं बोला चौथ भी व्रत रखूँ, उरे भी पूजा करी, उ भी थोड़ी बहुत क्लिप ली, तो मैं लास्ट एंड में वह भी जोड़ दूँ तो 4 दिन का व्लॉग हो जाए, और मैं व्लॉग देख मतलब ये लाग तो होगा कि मैं आजकल कितनी ज़्यादा भूल रही हूँ, तो आप देख लीजिए कि मैं कितना ज़्यादा सब मतलब हर चीज़ मिस कर रही हूँ, और मैं अब बार व्लॉगिंग कर पाती ना तो सही में हमारा व्लॉग इतना अच्छा अच्छा होता, पर कहीं कर सको टाइम के अनुसार हर चीज़ यूँ जो हमारा ब्लॉग अच्छा चलन डूगा यूँ यूँ हमारा फिर टाइम देना कम हो गया तो उस चक्कर में कम हो गया, तो फिर आप बस यूँ ही सपोर्ट में, आपने हर बार बताऊँ हर बार क्योंकि आप मन बस सपोर्ट करियो रहा है कि मैं ब्लॉगिंग बंद नहीं करूँ, हाँ बीच में नहीं हो जाए कम हो जाए पर बंद नहीं करूँ मैं ब्लॉगिंग, मैं हमेशा करूँ, और आप बस यूँ ही सपोर्ट बनाए रहा है क्या, और मैं 2 न्यू और अकाउंट खोलने को सोच रही हूँ, तो उस बारे में भी आगे मैं बताऊँ ट्विटर और फेसबुक के बारे में क्योंकि आज तक मैं सोच हुआ है बस, क्योंकि मैं आज तक इंस्टा और यूट्यूब माते जूँ ट्विटर और फेसबुक माते नहीं हूँ, और अब सुबह उठी जूँ बस देख लो आँखियों में काजल आज तक पूरा फैल जुड़ो है, तो मैं स्नान करूँ क्योंकि आजकल बिल्कुल कहीं काम तो वेज को नहीं है, बिल्कुल कोई काम वेज को नहीं, सर चक्कर आवे मतलब इतनी कमजोरी टाइप में फील हुए पूछो मन नहीं वास्ते मन फलो तो जाना पड़े, बाकी हॉस्पिटल में तो जानो मन इतना डर लगे है, एक खून टेस्ट वास्ते इतना सुकून निकले नहीं तो मैं भी तो जो हो रहा है मम्मी कहो कि एक बार मैं थारी क्लिप ले आती तो पक्का थारी वीडियो वायरल जा तो मैंने तो डर लगे, और अब देख सको आजकल चेहरे री भी हालत यार छोटो सब ठीक हो जाए, तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और अगलो व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँ नयो व्लॉग बनाऊँ तो।
सब मतलब आप रिकमेंड की वजह, क्योंकि मारा लोग इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं व्लॉग इस वास्ते, मैं तब भी ठीक हो ना वो तो भी मैं कंटिन्यू करूँ, चाहे 4 दिन रो व्लॉग एक हाथा हो चाहे 1 दिन रो एक व्लॉग आओ, मैं हर कोई क्लिप आप रे हाथ शेयर करूँ। मतलब आदत सी हो जाए यार, 1 दिन शेयर नहीं करो, 2 दिन नहीं करो, मैं बीच में यार 7-7, 8-8 दिन व्लॉग नहीं डालिया, मन खुद नहीं यूँ लगे बहुत ज़्यादा मिस कर दियो, पर अब नहीं करूँ, हो सके जट तक मैं करूँ, और जट नहीं हो जना आप सोच ले कि मंजू बार फुल बीमार है।